हाय, दिस इज़ नाज़िया मलिक। और आज मैंने सोचा कुछ नेचर के ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि जब नेचर में इंसान बैठता है तो अच्छा लगता है। वैसे तो मैं गेस्ट हाउस में हूँ, इम्पीरियल गेस्ट हाउस इस्लामाबाद में, और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा एक पूरा गार्डन का एरिया लगा। ये देखें, दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ वेरी नाइस। इन फैक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। खैर, जो मैं बात नेचर की करना चाह रही थी, नेचर में बेसिकली आपको एक अंदर से ना सुकून मिलता है जब आप अल्लाह की कुदरत के करीब जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे दुनिया में इलाके हैं जो बहुत अच्छे हैं, बड़े मॉडर्न अंदाज के बने हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी जब नेचर से नेचर को मतलब नेचर के करीब नहीं होते तो वो एक बिल्डिंग या एक मटीरियल टाइप की चीज़ें लग रही होती हैं। आप देखें दुबई में भी अब क्यों इतना चेंज लेकर आ रहे हैं वहाँ पर। आप देखें, मैंने हैरान हूँ देखकर, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी उधर, दरख्त उगाना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि नेचर से इंसान अपने अंदर की रूह को सुकून देता है, जो बहुत ज़रूरी है। हम जब बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी जाते हैं, जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग पैसे की तरफ या बहुत ज़्यादा एक ये सोच इस भाग दौड़ में लगे हुए होते हैं कि मैं किसी तरह बस इतना अर्न कर लूँ कि मेरे पास ये हो जाए या वो हो जाए, और अपनी लाइफ को बर्बाद करके वो इतना अर्न कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि वो वहाँ पर वो चीज़ वो फील भूल जाते हैं। अगर आप इतने पागलों की तरह कमाई भी कर रहे हैं तो भी मैं ये कहूँगी आप बिल्कुल करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा, बुरी बात नहीं है, ज़्यादा कमाना अच्छी बात है, लेकिन मटीरियलिस्टिक ना बने। मटीरियलिस्टिक बनने के बाद आप नेचुरल फील को भूल जाएंगे, ह्यूमैनिटी को इंसान भूलने लग जाता है, अंदर की रूह को अपने खो देता है वो, उसकी रूह भी अपनी रूह भी कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो नेचर के पास जाएं। जिस तरह मैं क्यों इतने माउंटेन एरियाज़ में जाती हूँ और बहुत सादे लोगों में रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उस वक्त जब मैं सादगी में जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं भी इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से निकलकर उन सादा लोगों में जाकर अच्छा महसूस कर रही होती हूँ। जबकि मैंने देखा है अब जो मैंने ये 7-8 साल में जो डिफरेंस देखा है, क्योंकि मैं 7-8 साल से माउंटेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, कि अब वो लोग भी सोशल मीडिया को देख देख कर उकता गए हैं अपनी जगहों से, वो कहते हैं हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो मेरा ये होता है कि हाँ ठीक है, उनका भी कसूर नहीं है, वो थोड़ी से सहूलत चाह रहे होते हैं, एक्चुअली उनको सहूलत चाहिए होती है, मेडिकल की सहूलत चाहिए होती है उनको, उनको एजुकेशन की सहूलत चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत चाहिए, ये सब चाहिए होता है। तो बिल्कुल सब चीज़ों की ज़रूरत है भी इस दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने जब हमें पैदा किया तो हमें इस काबिल भी बनाया है कि हम अपने आप को बेहतर आगे बेहतर से बेहतर कर सकें, बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल बना सकें। अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान में एक कैटेगरी है, एक कम्युनिटी है, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो लोगों का हक मारकर अपनी जेबों में पैसा रख लेते हैं और अपने आप को ही खाली वो बढ़ाते हैं, वो मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये है कि हम यही कहेंगे अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे और इस काबिल बनाए कि वो सब लोगों के लिए सोचें, कि पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं। तो यहाँ पर ये लोग वो लोग हैं जिनके बारे में बात करें कि मटीरियलिस्टिक लोग हो गए, सेल्फिश लोग हो गए। तो ये सेल्फिशनेस से हमें हटना है, अगर सादगी से ज़िंदगी गुजारना सीख लें। सादा ज़िंदगी ये कि सादा खाएँ, सादा खाएंगे तो बीमार भी नहीं होंगे। दूसरा है कि थोड़ी सी सादगी, जिस तरह मैं बात करूँ सादा खाना खाने की, तो मैंने जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी देखा है कि अब लोग नेचुरल चीज़ों से हट के वहाँ पर भी अननेचुरल चीज़ों पे आ गए। पहले देसी घी खाते थे, देसी मक्खन खाते थे, वो हट के जी घी खाना शुरू हो गए जी, वो खा रहे हैं, ऑयल खा लेते हैं, रिफाइंड ऑयल खा रहे होते हैं। सबको पता है कि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपका खाना पकता भी नहीं उसके बगैर, तो आप थोड़ा डाल लें। इस पर तो मैं पूरी एक वीडियो भी बना चुकी हूँ हेल्थ के ऊपर और वेट लॉस के ऊपर भी, कि आप किस तरह से
वेट लॉस कर सकते हैं अपने अपना आफ्टर तेल वेल ख़त्म करके जो घर घी वे खा रहे होते हैं। खैर मेन चीज़ यही है जो मेरा कहने का मकसद वो यही है कि नेचर से करीब जाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हैं, आई मस्ट से कि आप लोग ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने घरों के बाहर ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा करें और पसंद करें उन चीज़ों को जो नेचुरल वे से उगी हुई हों। कोशिश करें घर पे बाग बड़ा है तो आप बाग पे फ्रूट वगैरह उगाएं। बहुत ज़्यादा अपना टाइम ऐसी चीज़ों पे वक्त ना करें जो आपके लिए नुकसान दें, आपके आपके अपनी बॉडी के लिए नुकसान दें, अपने माइंड के लिए नुकसान दें। वो ये होता है जेलेसी भी है, बुग़्ज़ भी है, दूसरों के लिए बुराइयां करना भी है, किसी का हक मारना भी है, बहुत सी और चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी कुरान के ज़रिए हमें बताई हुई। तो एक तो हम अपने दीन से बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं, सेकेंडली ये कि हम नेचर से दूर हो रहे हैं, अल्लाह की कुदरत से दूर हो रहे हैं। क्योंकि जब हम अल्लाह की कुदरत को देखते हैं तो हम अल्लाह की शान में उसकी तारीफ़ भी करते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है तो पाकिस्तान के, स्पेशली पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़रूर जाएँ। स्विट्ज़रलैंड, यूरोप बहुत ज़्यादा इस वक्त डेवलप्ड है और वहाँ पर जाने के बाद आपको खूबसूरती और सब अल्लाह के कुदरत का एहसास तो होगा। यहाँ पर मैं इसलिए कहती हूँ ताकि जहाँ पे जो कमी रह गई है, तो रिच लोग हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, उस कमी के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करें ताकि हमारा टूरिज़्म भी बढ़े, हमारा वही इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो जाए जो दूसरे ममालिक में हम देख रहे होते हैं। तो है छोटी सी वीडियो है, देखा करें, मुझे कमेंट दिया करें और बताया करें मैं और किस पे बात करूँ। आई एम कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़ एंड सेंडिंग इट टू यू ताकि आप अच्छी बातें सीख सकें। थैंक यू, ख्याल रखें और नेचर को देखें।